हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं, अभी जो हाल ही में फीफा ने बैन हटा लिया है, किससे? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से इससे बैन हटा लिया, जिससे जो वीमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है अंडर 17 भारत में, 11 से 30 अक्टूबर के बीच, उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। तो आइए शुरू से इसको पूरा समझते हैं, कैसे क्या क्या हुआ, और इससे आपकी सारी दुविधा क्लियर हो जाएगी और बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ मालूम होंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, फीफा, तो यहाँ जो फीफा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? फीफा का फुल फॉर्म यहाँ दिख पा रहा होगा आप लोग को, इंटरनेशनल, यहाँ पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल, ठीक है, फीफा। और ये फॉन्ड कब हुआ था? 21 मई 1904 को, कहाँ पर? पेरिस में। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड। और वर्तमान में 2022 वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित होने जा रहा है, आप सभी को ये मालूम होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जानते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में, इसका फुल फॉर्म ये है। और ये फॉर्म हुआ था 1935 में, कब? 1935 में, कहाँ? दरभंगा में। जो दोस्त बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दरभंगा कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है। और बात करें, फाउंडेड 23 जून 1937 को पूरी तरीके से फाउंड हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? द्वारका में, दिल्ली में, ठीक है। वर्तमान द्वारका, ये द्वारका जो है दिल्ली में पड़ता है, वहाँ पर, ठीक है। तो फीफा से एफिलिएशन कब मिला था इनको? फीफा से एफिलिएशन मिला था, देख पा रहे होंगे यहाँ, 1948 में। मतलब फीफा ने एफिलिएशन दिया था किसको? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, कब? 1948 में, वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जो फीफा ने बैन लगाया था, ठीक है, तो 10 दिन के बाद ये बैन को हटा लिया गया। आइए आगे देखते हैं, आखिर ये बैन क्यों लगाया था, सबसे पहले ये देखते हैं बैन के बारे में, ठीक है। तो वाई बैन, ठीक है, तो अब शुरू से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपनी ओर से एक प्रशासकों की नियुक्ति की थी, ठीक है, सीओ एक कह सकते हैं, इनकी नियुक्ति की थी, क्योंकि बहुत दिनों से इलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा था, जो बहुत सारी वित्तीय गड़बड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये नियुक्ति की, ठीक है। आखिर ये नियुक्ति क्यों हुई, करनी पड़ी? इससे पहले का अगर बात की जाए तो 36 जो पूर्व खिलाड़ी थे उनका एक निर्वाचक मंडल बनाया गया था, तो फीफा को यहाँ भी आपत्ति थी, ठीक है। फीफा और AIFF, ये दोनों में के बीच रस्साकसी शुरू हो गई इन्हीं चीज़ों को लेकर। तो जब ये चीज़ें चलने लगी तो ये चीज़ें फीफा के भी जहन में आई, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो है इसको मालूम हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रशासकों की नियुक्ति कर दी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, देखिए, इसके बाद क्या हुआ, सीओए जो है 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को संघ में सुधार के लिए रिपोर्ट देनी थी, किसको? सीओ को, ठीक है। और फीफा ने इन सारी चीजों को ध्यान में देखते हुए, ठीक है, फीफा ने क्या किया, 31 जुलाई तक का डेडलाइन दे दिया, ठीक है, किसको? AIFF को। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप देख सकते हैं, आफ्टर दिस ऑन 21 अगस्त स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने क्या किया, और उसी के बाद बैन हो गया था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस ऑन 21 अगस्त स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जो खेल मंत्रालय है, उसने सुप्रीम कोर्ट से सीओए को भंग करने की मांग कर डाली, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, फीफा बैन हटा सके। तो फीफा अगर बैन हटा देगा तो इससे भारत में क्या हो पाएगा, आप सभी यहाँ देख पा रहे होंगे, भारत में 11 से 30 अक्टूबर तक जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप है ये सही से आयोजित हो पाएगा। तो ये खेल मंत्रालय की यहाँ सराहनीय पहल रही, जिस कारण से ये बैन हटाया गया। अब आगे देखते हैं, बैन हटाने के साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह डाला, AIFF को निर्देश क्या क्या दे डाले। उसने कहा, इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको 1 वीक और बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, जो पहले 28 अगस्त तक इलेक्शन होना था, ठीक है, उसको एक्सटेंड किया जाएगा। दूसरा क्या किया जाएगा, निर्वाचक मंडल में
सभी 36 राज्य और यूटी, मतलब टोटल 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना जी, तो सबसे प्रतिनिधित्व यहाँ पर रहेगा। तो बहुत ही अच्छा फैसला। और साथ ही कहा गया संघ में समिति बनेगी, खेल संघ में एक समिति बनेगी जिसमें 23 मेंबर होंगे वगैरह वगैरह, और भी चीज़ें इसमें अध्यक्ष होगा, बहुत सारी चीज़ों को कहा गया। उसके अलावा क्या कहा गया, उसके अलावा कहा गया डेली का जो कामकाज होगा वो महासचिव देखेंगे। जब ये सारा चीज़ हो जाएगा, इलेक्शन वगैरह, महासचिव देखने लगेंगे, अपना चार्ज ले लेंगे, तो खेल प्रशासक का ड्यूटी समाप्त हो जाएगा और इलेक्शन जो है वो रेगुलर बेसिस पे करवाया जाए। तो बहुत सारी मुद्दों को निर्देशित किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो सराहनीय कदम है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फैक्ट्स मालूम हुए होंगे एग्जाम से संबंधित, और फीफा के बारे में भी, फीफा क्या है ठीक है, और AIFF क्या है, कब बना था, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और न्यूज़ में क्यों है, खास करके ये जो है बैन हुआ इसके कारण से भी, और दूसरा चीज़ भारत में जो ये होने जा रहा है वुमेन्स वर्ल्ड कप अंडर 17 का, ठीक है, 11 से 30 अक्टूबर में, जिस कारण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आशा है आपको यहाँ पर सारी एक्सप्लेनेशन अच्छे से मैंने समझाया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें और कमेंट में बताएं कैसा रहा हमारा प्रयास। अगर सराहनीय रहेगा तो हम ऐसे और भी तमाम लेक्चर्स को लेके आते रहेंगे आप सभी के बीच में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए दोबारा चैनल पर ज़रूर आए। मिलते हैं अगले अंक में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।